हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण संस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एग्रोन 313 यानी कि अप्लाइड वीड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो अपना आज का टॉपिक है वो है यानी कि प्रिकॉशन इन हर्बिसाइड एप्लीकेशन, यानी कि शाकनाशियों के प्रयोग करते समय कौन कौन सी अपनी सावधानियाँ हैं। प्रीकॉशन मीन सावधानियाँ, प्रीकॉशन इन हर्बिसाइड एप्लीकेशन यानी कि जब भी अपने हर्बिसाइड शाकनाशी या खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो उस समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह बातें सिर्फ उनके ध्यान रखने की है नहीं कि जब उनका प्रयोग करें उसी समय, यानी उनको खरीदते समय, उनको भंडारित करते समय या उनका मिश्रण बनाते समय, उनको खेत में प्रयोग करते समय, इस प्रकार से यानी कि हर एक बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए कि उसको कैसे खरीदना है, कैसे घर पर लाना है, कैसे उनको भंडारण करना है, कैसे उनको उपयोग करना है, किस तरह से उनका मिश्रण बनाना है। इन बातों का ध्यान कैसे रखना है वो आज अपने आज के जो आप आज अपने आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले प्रयोग है वो क्या है कि जो नंबर एक पॉइंट रहेगा आज का अपना फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये है कि स्थानांतरण करते समय सावधानियाँ। इसका मतलब है कि उनको खरीदते समय या फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय अपने को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट यानी कि उसको स्थानांतरण यानी कि उसको खरीदना, उसको कैसे खरीदना है, क्या खरीदते समय क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर पॉइंट्स रहेंगे कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से लेके जाना है। तो अपने बात करते हैं इसके स्थानांतरण करने समय अपने को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो स्थानांतरण करने समय अपने को सबसे पहले शाकनाशी है जो अपने हर्बिसाइड हैं इनको तेज धूप से और वर्षा से बचाना चाहिए कि ये सीधे एक तो धूप के संपर्क में ना आए, जिससे क्या टेम्परेचर इनका हाई हो जाता है, जो अंदर केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है, इनकी केमिकल खराब हो जाते हैं। और ये वर्षा के संपर्क में नहीं आना चाहिए जिससे कि ये धुल ना जाए। जहाँ तक संभव हो इनको गाड़ी में सुबह या शाम के समय टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, मौसम को ध्यान में रखते हुए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना चाहिए। उसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि जब इनको गाड़ी से उतारते हैं यानी कि जैसे कि बड़े ट्रक आते हैं इनके अंदर स्प्रे आती है वगैरह हर्बिसाइड आते हैं, तो उनको उतारते समय ध्यान रखें कि इनको अपने पीठ या सिर पर ना ला दें, इनको अपने हाथों के द्वारा ही उठाएं, यानी कि इनको ये ना तो अपनी पीठ पर ला दें ना ही सिर पर, क्योंकि बाई चांस कोई भी अगर पैकेज खुला हुआ, कोई भी अगर बोतल खुली हुई तो अपने ऊपर गिरने के चांस रहते हैं जिसके अपने को नुकसान होगा। तो इस समय इनको पीठ पर नहीं लादना चाहिए और ना ही इनको सिर पर उठाना चाहिए। उसके बाद शाकनाशी लेने से पहले यह अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि जो आपने डिब्बा लिया है वो अच्छी तरह से बंद है यानी कि उसकी सील बंद है या नहीं है। अगर सील खुली है तो उसको न लें, अगर बंद है तो अपने लिए अच्छी बात है तो उसको ही लेना चाहिए, बंद सील को ही अपने को लेना है। डिब्बा जो पूरी तरह से क्या हो, बंद हो, अगर खुला हुआ हो तो उसको न लें क्योंकि उसके फिर बिखरने के या उसके गिरने के या डुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद शाकनाशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय ध्यान रहे कि जो अपनी गाड़ी है वो पूर्णतया बंद होनी चाहिए, जिससे कि क्या डिब्बे उसके अंदर अच्छी तरह से रखे होने चाहिए, उनकी सुनिश्चित होने चाहिए कि जब भी वो गाड़ी के अंदर जाएं तो एक दूसरे के साथ इधर उधर बिखरे नहीं हो, जिससे कि अपनी जो दवाई है वो बिखरे ना ही डुले। तो ये तो थे अपने स्थानांतरण करने समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। अब दूसरा पॉइंट जो आता है अपना वो है कि भंडारण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। भंडारण करते समय सावधानियाँ, अब बात आती है भंडारण की। तो भंडारण करते समय अपने को कौन कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए, क्यों भंडारण भी अच्छी बात है। पहली बात, जहाँ तक संभव हो तो स्प्रे का भंडारण करना ही नहीं चाहिए। जैसे ही आप इनको खरीद कर लाते हैं, लाने के तुरंत पश्चात ही इसका उपयोग खेत के अंदर सीधे कर लेना चाहिए, यानी कि जिस समय अपने को उपयोग करना है उसी समय क्या इनको खरीद के लाएं, अपने भंडारण न करें तो उसको अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर अपने को भंडारण करना है तो ध्यान रखें कि भंडारण ऐसी जगह पर, उस सुरक्षित जगह पर होना चाहिए जहाँ पर वह बच्चों और बुजुर्गों यानी कि किसी भी तरह से वो क्या सुरक्षित हो, जानवरों से, इन सभी स्थानों से यानी कि अपने खाने वाली चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों से वो दूर होनी चाहिए, उनके पास इनको नहीं होना चाहिए। उनको ऐसी जगह पर भंडारण करें जहाँ पर बच्चे न पहुँच पाए, न तो अपने वहाँ पर खाने वाला सामान होना चाहिए, ना ही जानवरों के कुछ खाने का सामान पड़ा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों से वो क्या दूर और ऊंचे स्थान पर सुरक्षित जगह पर भंडारण करना चाहिए। उसके बाद प्रयोग करने के बाद बचे हुए जो डब्बे होते हैं उनको क्या है सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, एक जगह सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करके रख देना चाहिए,
क्यों? क्योंकि यह भी जो खाली डब्बे हैं वो भी क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको एक खाली जगह पे इनका स्टोरेज करना चाहिए अच्छे सुरक्षित स्थान पर। उसके बाद अगर स्टोरेज अपने नहीं कर सकते तो इन डिब्बों को क्या है, अपने भूमि के अंदर गाड़ भी सकते हैं, इधर उधर पानी या तालाबों में, नहर में, कहीं भी आसपास खाली जगह पर इनको न फेंके। इससे अच्छा है कि आप एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे के अंदर इन सभी खाली बोतलों को, जो अपने वेस्टेज हैं इन हर्बिसाइड्स का, जो भी बचते हैं, पाउच बचते हैं, लिफाफे बचते हैं, कुछ भी बचते हैं, उनको ढक्कन बोतल इन सभी को आप गड्ढे के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद शाकनाशियों का प्रयोग करने की समय सीमा जब समाप्त हो जाए तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जब वो एक्सपायरी हो जाते हैं तो उस समय उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी होने के बाद वो पता नहीं कैसा रिजल्ट देंगे, हो सकता है कि अपनी जो मेन क्रॉप है उसी को भी क्या वो नष्ट कर दें। और भंडारण के समय इनके जो शाकनाशियों के ऊपर जो लीफलेट होते हैं उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, उनके द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो भी करना चाहिए। उसके बाद भंडारित किए हुए जो अपने हर्बिसाइड यानी कि शाकनाशी जो भी दवाई है, केमिकल है, उनका समय पर निरीक्षण करता रहना चाहिए कि डब्बे से रिसाव तो नहीं हो रहा, अधिक टेम्परेचर का या डब्बे का ढक्कन कहीं खुला तो नहीं रह गया, उनको कसकर बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें उनको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये तो था भंडारण। उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट आता है मिश्रण बनाते समय रखे जाने वाली सावधानियाँ। मिश्रण बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, तो अब मिश्रण बनाते समय अपने को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो उसकी बात करते हैं कि हर्बिसाइड का मिश्रण बनाते समय जो टेक्निकल बंदा है उसी की सलाह के अनुसार, जैसे वो एडवाइस देता है उसी के अकॉर्डिंग क्या अपने को मिश्रण बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण जानकारी होती है। अगर अपने को पूर्ण जानकारी नहीं है तो किसी टेक्निकल बंदे से या किसी जानकार बंदे से उससे पूछ लेना चाहिए, उससे सलाह ले लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही, उसी के अनुसार ही अपने को क्या मिश्रण बनाना चाहिए। और जो शाकनाशी का मिश्रण है वो हमेशा शीशा या प्लास्टिक के बर्तन में ही बनाना उत्तम रहता है। अगर अपने किसी सिल्वर या लोहे या इनके अंदर अगर बनाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं और फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जिसका साइड इफेक्ट अपनी क्रॉप पर पड़ता है। उसके बाद घोल बनाते समय स्प्रेयर का प्रकार, उसकी क्षमता, शाकनाशी की किस्म, जल की मात्रा, इन सभी चीज़ों का अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए। और जो संपर्कनाशी रसायन का घोल बनाने में अधिक पानी तथा स्थानांतरित रसायन को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसी तरह इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखकर ही क्या घोल बनाना है। क्यों? संपर्कनाशी यानी कि पानी, जितना ज़्यादा पानी का होगा उतना ही ज़्यादा क्या उसके अंदर वो पौधे के संपर्क में आएगा, जितना से ज़्यादा संपर्क में आएगा उतना ही वो अच्छा रिजल्ट देगा। और जो सिस्टम का उसके अंदर क्या होता है कि बहुत कम पानी रखा जाता है, क्योंकि वो उसके सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से ये उच्च आयतन या कम यानी कि लो कंसंट्रेशन और हाई का क्या है जो गोल सॉल्यूशन बनता है। और शाकनाशी का गोल आवश्यकता अनुसार ही बनाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आवश्यकता से अधिक बना लेंगे, आज इतने कर लेंगे, जो बचा उसको बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। जितनी अपने को आज आवश्यकता है अभी उतना ही बनाना है, बाकी का गोल ऐसे नहीं कि बना के रख लिया उसका बाद में उपयोग कर लेंगे। और रही बात मिश्रण बनाते समय अगर फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय अगर अपने इसका जो क्या है इसका जो चिकनापन है उसको बढ़ाने के लिए यानी कि उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या उसके अंदर अपने क्या जो आजकल स्टिकर कहते हैं, जिसे सोफ्रिसिएंट कहते हैं या एक्टिवेटर कहते हैं, इनका उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे क्या अपना रिजल्ट अच्छे आते हैं। और गोल बनाते समय दुर्घटना से बचने के लिए यानी कि कोई भी हानि ना हो तो हमेशा ताज़ा साफ पानी और साबुन हमेशा अपने पास तैयार रखना चाहिए, जिससे भी बाई चांस अगर अपने शरीर पर कोई गिरती है, चेहरे पर कोई दवाई गिरती है तो तुरंत अपने क्या उसको धो सकें, अपना मुँह साफ कर सकें। और गोल बनाते समय अपने शरीर का कोई भी अंग उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। गोल बनाते समय चश्मा पहना हुआ होना चाहिए, हाथों में रबर के दस्ताने होने चाहिए, नाक पर कपड़ा होना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो तो इसकी एक पूरी की पूरी किट आती है जो अपने को पहननी चाहिए, जिससे कि क्या है कि गोल बनाते समय कोई भी केमिकल सॉल्यूशन की जो बूंदें हैं या अपना कोई भी भाग केमिकल के संपर्क में, अपनी गोल के संपर्क में ना आए, जिसका दुष्प्रभाव अपने शरीर पर पड़े। तो ये मिश्रण बनाते समय अपने को इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। और मेन खास बात यह है कि सिर्फ दो ही बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है कि अगर गोल बनाते हैं, अपने को जानकारी नहीं है तो किसी टेक्निकल बंदे से यानी कि अपने को पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसको पास खड़ा करके उसके अनुसार ही अपने को गोल बनाना चाहिए। दूसरी मेन बात यह है कि अपने शरीर का कोई भी भाग गोल के यानी कि सोल्यूशन के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये दो थी मेन बातें
उसके बाद जो अपना फोर्थ पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। जो अपना फोर्थ पॉइंट है उसका उपयोग उसके बाद अब खेत में प्रयोग करते समय सावधानियाँ, खेत में प्रयोग करते समय सावधानियाँ। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। दूसरा पढ़ा अपनों ने भंडारण करने समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या अपने को सावधानियाँ रखनी चाहिए। अभी अपने फिलहाल तीसरा पढ़ा है मिश्रण बनाते समय सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी चाहिए। अब फोर्थ और लास्ट है खेत में प्रयोग करते समय कौन कौन सी अपने को सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो शाकने शाइनों का खेत में प्रयोग करते समय उसका लीफलेट अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसी के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। और कभी भी बात रही दूसरी कि शाकने शाइनों को कभी भी सूंघकर नहीं पहचाना चाहिए और न ही उनको चखकर कि कुछ क्या होते हैं इसकी गंध को सूंघते हैं कि तीखी गंध है तो ये इस तरह का केमिकल है, ये मोनो है, ये रोगर है। तो कभी भी केमिकल को सूंघना नहीं चाहिए और हो सके तो कुछ कहते हैं चख भी लेते हैं, चखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ कहते हैं कि आजकल के कुछ होते हैं पुराने, वो कहते हैं कि हम तो मोनो कुछ थोड़ी थोड़ी पीकर फिर स्प्रे करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक झूठ है। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ सूंघने वाला होता है तो आपको ध्यान रखना है कि अपने केमिकल का उपयोग करते हैं तो उसको सूंघना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कोई भी केमिकल की बोतल खोलो तो उसको बिल्कुल भी नहीं सूंघना चाहिए। अगर आपको उसकी पहचान करनी है तो उसका लीफलेट पढ़ लें ध्यान से, और कोई बात नहीं है, लीफलेट के अंदर उसकी पूरी की पूरी जानकारी दी गई है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद रही बात कि खेत में प्रयोग करते समय अगर आप चारे के लिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो शाकनाशी है, चाहे वो अपने बात तो शाकनाशी की कर रहे हैं लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता दूं, चाहे वो शाकनाशी है, चाहे इंसेक्टिसाइड है, चाहे फंगिसाइड है, कोई भी केमिकल का उपयोग चारे के लिए कर रहे हैं तो उनको चारे के उपयोग करने के बाद 20 से 25 दिन तक उस चारे को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। यानी कि आज स्प्रे कर दी तो यानी कि उसके 20 दिन तक उस चारे को नहीं काटना है, ना ही अपने को पशुओं को खिलाना है। उसके बाद ध्यान इस बात का ध्यान रखना है कि जो छिड़काव है वो उस समय करना है जिस समय खेत के अंदर यानी कि धूप निकली हो, दिन के समय धूप के समय ही करना है। और हवा का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हवा के विरुद्ध अपने को छिड़काव नहीं करना है, जिस तरह से हवा चल रही है उस तरह भी छिड़काव करना है, नहीं तो आधे से ज़्यादा दवाई अपने वापस चेहरे पर आती रहती है या दूसरे के खेत में चली जाती है। और रही बात शाकनाशी रसायनों का छिड़काव, अगर आपके पास कम जमीन है यानी कि छोटा क्षेत्र है और कम स्प्रे करनी है तो उसका सही समय तो वैसे आप देखा जाए तो 2 से 4 या 3 से 4 बजे के मध्य ही करना चाहिए, और पूरी दोपहर के अंदर उस समय भी क्या छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा होती है और जो रसायन है और केमिकल है वो उनके कण टूट जाते हैं। और सुबह के समय क्या है, पत्तियों पर ओस होती है, तो इन बात का ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा अगर छोटा क्षेत्र है तो अपने को क्या है शाम के मध्य शाम यानी कि 3 से 4 या 2 से 4 बजे के बीच, 2 से 4 बजे के बीच में क्या है अपने को छिड़काव करना चाहिए। और अगर बड़ा क्षेत्र है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि 12 से 12:30 से 2 के बीच में 1.5 घंटे का अपने को क्या है रेस्ट दे देना चाहिए, उस समय स्प्रे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय टेम्परेचर 2 बजे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि 2:30 बजे तक का अपने अगर रेस्ट दे लेते हैं बीच में 1-1.5 घंटे का, उसके बाद स्प्रे करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन 2 बजे दिन के सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अधिक होता है। तो इस समय बात चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या दोपहर का समय फुल तेज गर्मी हो तो उस समय केमिकल का स्प्रे भी न करें, क्योंकि फिर उसके जो केमिकल है वो विघटित हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं और उनका अपने को सही रिजल्ट नहीं मिलता है। और जो अपने छिड़काव कर रहे हैं उस स्प्रेयर का अपने को अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए कि उसके जो छिद्र हैं नोजल के छिद्र हैं जो क्या है साफ होने चाहिए, जिससे भी क्या है अपने के जो फुहारा है वो सही बन सके, स्प्रे सही ढंग से हो सके। और वर्षा की संभावना होने पर उसके समय स्प्रे नहीं करनी चाहिए, और अगर बाई चांस अपने को बहुत ज़रूरी है तो कम से कम ध्यान रखें कि स्प्रे करने के 1 से 2 घंटे तक क्या है वर्षा न हो, इतने में क्या है वो केमिकल अपना काम कर देते हैं, वो पौधे के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं। छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आसपास उगे सहनशील पौधों पर छिड़काव का प्रभाव न पहुँचे, पहुँचना नहीं चाहिए। और बात है रासायनिक शाकनाशी रसायनों का प्रयोग संतुलित मात्रा के अंदर ही करना चाहिए, यानी कि अगर जितना लीफलेट के अंदर जितना अपने को बताया गया है उतना ही करनी चाहिए, न तो उससे ज़्यादा डोज रखनी है न उससे कम डोज की रखनी है। और रही बात
मेन बात कि अगर अपने थोड़ी सी हार्ड स्प्रे यानी कि कठोर यानी कि जिसे कहते हैं ना हार्ड स्प्रे कठोर स्प्रे का उपयोग कर रहे हैं तो उस समय खेत के अंदर नमी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि आपको कोई भी स्प्रे करनी है तो उस समय खेत के अंदर नमी का होना बहुत अधिक आवश्यक है, विदाउट एक NPK फर्टिलाइजर को छोड़ते हुए। उसके अलावा कोई भी केमिकल का आप स्प्रे करते हैं तो उस समय नमी का होना आवश्यक है। भूमि के अंदर जितनी ज़्यादा नमी होगी उस स्प्रे का रिजल्ट ही उतना अच्छा आएगा। उसके बाद इस छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि छिड़काव सारे खेत के अंदर एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा हो गया कहीं पे कम हो गया, इससे क्या है रिजल्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर अधिक स्प्रे होने के कारण भी क्या है पौधे जल जाते हैं। तो इस प्रकार से दिए गए लीफलेट के अनुसार ही अपने को क्या स्प्रे करनी है और इन्हीं बातों का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अपना नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा उपयोगी है, यानी कि कहने का मतलब प्रयोग के पश्चात रखी जाने वाली सावधानियां। तो इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप उन्होंने स्प्रे कर ली तो अपना ऐसा नहीं है कि अपना स्प्रे करने के बाद अपना काम खत्म हो गया। स्प्रे करने के पश्चात जिस स्प्रेयर से अपने ने स्प्रे किया उस स्प्रेयर के सभी भागों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, स्प्रेयर को भी धो देना चाहिए जिससे क्या उस जो पुरानी स्प्रे है उसका अंश उसके अंदर भाग न रहे। उसके बाद जिन आदमियों ने स्प्रे की है उन सभी को अपने बर्तनों को यानी जिन जिन बर्तनों का उपयोग किया उनको धो लेना चाहिए, अपने कपड़ों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, खुद को नहा लेना चाहिए अच्छी तरह से जिससे क्या है कि जो भी अपना शरीर का भाग उस स्प्रेयर के संपर्क में आया था वो अच्छी तरह से धुल जाए, यानी कि जो स्प्रे है वो अच्छी तरह से पानी से धुल जाए, उसका अपने दुष्प्रभाव कोई भी ना पड़े। उसके बाद जो अपने पास जो डिब्बे थे यानी कि जो हर्बिसाइड के जो डिब्बे थे या पाउच थे कुछ भी थे जिनके अंदर हर्बिसाइड आया था और जो चीज़ें अपने ने उपयोग की जो वेस्टेज है उनको भूमि के अंदर गड्ढा खोद कर उनके अंदर गाड़ देना चाहिए। और बात करें प्राथमिक उपचार के लिए, अगर कोई इसके ऊपर क्या हो स्प्रे करने के पश्चात क्या होता है किसी को चक्कर आने लगते हैं उल्टी आने लगती हैं तो नींबू के पानी का सेवन करना चाहिए। और अगर उसके पश्चात भी काम नहीं बनता है तो प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो ये तो थी अपनी आज की प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां अगर जब जब अपने हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर लगभग 2 या 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। ओके थैंक यू, आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में अपने पढ़ा कि खरपतवार नाशी यानी कि हर्बिसाइड प्रयोग करते समय अपने को क्या क्या प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां रखनी चाहिए। उसके अंदर अपना पहला पॉइंट था स्थानांतरण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, दूसरा पॉइंट था भंडारण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, तीसरा पॉइंट था मिश्रण बनाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और खेत में प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां और प्रयोग के पश्चात रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। तो ये आज का टॉपिक अपना आज यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके थैंक यू।